में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता सरोज स्मृति के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उनके इस लंबी कविता का एक वाचन। देखा विवाह आमूल नवल, तुम पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नैनों से आलोक उतर, कपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम नीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर बना वही, आकाश बदल कर बना वही, हो गया व्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर महामरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी पर वज्रपात, यही धर्म रहे नव सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा अर्पण। ये निराला जी का गीत है, कविता है, सरोज स्मृति इसका शीर्षक है। सरोज उनकी पुत्री का नाम था जिसकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी, विवाह के कुछ ही समय पश्चात। उसके पहले निराला जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और सरोज को अपना बचपन नाना नानी के पास बिताना पड़ा था और विवाह में भी बहुत सारे बाधाएं आई थी। निराला जी ने तब स्वयं ही मंत्रोच्चार करते हुए अपनी पुत्री सरोज का विवाह संपन्न कराया था। तो इस तरह उन्होंने सरोज की स्मृति में, उसकी याद में एक लंबी कविता लिखी है, उसका एक अंश यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में था। और आइए अब इसके शब्दार्थ हम जानते हैं। आमूल नवल शब्द आया है, इसका अर्थ है बिल्कुल ही दया, स्पंद यानी धड़कन, उर यानी हृदय, उच्छ्वास यानी निश्वास, नत यानी झुका हुआ, आलोक यानी प्रकाश, धीत यानी प्यास, पान पीना, मही यानी धरती, समोद यानी आनंद सहित, जलद यानी बादल, न्यस्त यानी सम्मिलित, संबल यानी सहारा, शतदल यानी कमल का फूल। अब हम संदर्भ करेंगे। ये काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के सरोज स्मृति शीर्षक कविता से ली गई है और रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसंग देखिए,
कवि ने अपनी पुत्री के विवाह प्रसंग पर विवरण प्रस्तुत करते हुए उसकी मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा के विषय में अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। और अब व्याख्या करते हैं। निराला जी अपनी पुत्री सरोज के विवाह का आयोजन स्वयं ही करते हैं और पुरोहित बनकर विवाह की वैदिक विधियों का संचालन भी स्वयं करते हैं। ऐसा वे कर्मकांडी ब्राह्मणों के विरोध में करते हैं। कवि कहते हैं कि पुत्री सरोज, तुमने यह एक नए प्रकार का विवाह देखा है। जब तुम्हारे ऊपर करस का पवित्र जल छिड़का गया, तब तुम मुझे देखकर धीमे से मुस्कुराई। तब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे होठों के बीच में बिजली सी चमक गई हो। तुम्हारी वह सुंदर छवि मेरे हृदय में समाई हुई है। ऐसा लगता था जैसे अपने प्रिय के प्रति तुम्हारा श्रृंगार भाव बिना शब्दों के ही मुखर हो रहा हो। फिर तुमने एक लंबी निश्वास ली और लगा कि तुम्हारा प्रत्येक अंग एक नए विश्वास के साथ बंध गया हो। फिर तुम्हारी झुकी हुई आंखों से एक प्रकाश बिंब उतरा और होठों पर आकर थर थर कांपने लगा। आगे देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी वह धैर्यवान छवि को देखा जो कि मेरे जीवन के वसंत के पहले गीत के समान थी। श्रृंगार रस जो निराकार ही था, वह कविता में स्नेह की धार बनकर बह चला। मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर सरोज रूपी गीत को गाया था। यह गीत मेरे प्राणों में आनंद भरा करता था। वही आनंद अब रति के रूप में बदल गया है। आसमान परिवर्तित होकर धरती बन गया है। निराला जी कहते हैं कि इस तरह विवाह संपन्न हो गया। कोई रिश्तेदार विवाह में नहीं आए और ना ही मैंने किसी को आमंत्रित किया। घर में भी रात दिन जागकर मंगल गीत नहीं गाए गए। बस एक मौन संगीत की उपस्थिति बनी रही जो नव दंपति के जीवन में धीरे धीरे उतर रहा था। कवि कहते हैं कि अपनी बेटियों को जो शिक्षा माताएं दिया करती हैं, वह पिता होते हुए मैंने ही दी और अपने ही हाथों से तुम्हारी फूलों की सेज तैयार की। मन में यही सोचा कि मेरी बेटी मानो शकुंतला है, परंतु वह तो एक अलग कहानी है और यह जीवन की प्रत्यक्ष घटना है। तुम कुछ दिन अपने घर में आनंद पूर्वक रही, फिर लौटकर अपनी नानी की प्रेम भरी गोद में इस देह पाती रही। मामा मामी ने तुम्हें उसी तरह अपना प्यार दिया, भरे हुए बादल जैसे धरती को अपने जल रूपी प्यार से भर देते हैं। वे ही सुख और दुख में तथा तुम्हारे हित में सदा डूबे रहे। तुम कली बनकर जिस लता पर खिली थी, वह लता भी वहीं की थी, अर्थात पुत्री की माता का ही वह घर था। तुम वहीं पर खिलकर फूल बनी और सबका प्रेम पाकर वहीं पर पली। अंत में भी तुमने वहीं पर शरण पाई, क्योंकि तुम्हारे पति ने अपनी आंखें मूंद ली थी। निराला जी कहते हैं, हे बेटी, तुम मुझ अभागे का सहारा थी। तुम्हारा यह सहारा मुझे 12 वर्षों तक प्राप्त रहा, फिर तुम भी संसार से विदा हो गई। इस तरह जीवन भर मैंने दुखों को ही झेला। जिस दुख के बारे में कभी नहीं कहा, उसे आज कैसे कहूं। कवि कहते हैं कि संसार के ऐसे कर्मों पर वज्रपात हो, क्योंकि यदि धर्म अपने माथे को झुकाए रखेगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। इस रास्ते पर चलते हुए
मेरे सभी कर्म शीतकाल के कमल पुष्प की तरह मुरझा गए हैं। वे कहते हैं, मैं अपने अतीत के कर्मों को अर्पण करते हुए अपने पुत्री सरोज का तर्पण करता हूं। तो ये व्याख्या थी और अब करेंगे काव्य सौंदर्य। तो देखिए, इसमें पहला है, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उपमा अलंकार है। कांपा अधरों पर थर थर थर, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तीसरा है, आकाश बदलकर बना मही, इसमें विरोधाभास अलंकार है, आसमान को ही पृथ्वी बना दिया गया है। चौथा है, भर जलद धरा को ज्यो अपार, यहां भी उपमा अलंकार है क्योंकि ज्यो शब्द आया है। हो भ्रष्ट शील के हो शतदल, उपमा अलंकार है। और अब भाव सौंदर्य देखते हैं। सरोज स्मृति कविता निराला की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता नौजवान बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग उन्हें दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला जी ने इस कविता में किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की का आकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष जाहिर होता है। तभी तो वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो यह था लंबी कविता सरोज स्मृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन हम शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं, कवि निराला की पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर लग रही है। जब वह मंद मंद मुस्कुराती है, तब ऐसा लगता है कि जैसे बिजली उसके होठों के मध्य में चमक रही हो, उसकी आंखों में चमक है, रूप और गुणों में वह अपनी माँ की छाया लग रही है। दुल्हन के रूप में उसकी आंखों में लज्जा और संकोच है, इसी से उसकी आंखें झुकी हुई है। और अब प्रश्न दूसरा, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। उत्तर है कि उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि वे अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करा रहे थे और वह अपनी माँ की छाया लग रही थी। दुल्हन के वेश में उनकी पुत्री बहुत सुंदर दिख रही थी। पत्नी के साथ मिलकर कभी गाई गई अपनी कविताएं उन्हें अपने पुत्री सरोज के रूप में साकार होती हुई दिखाई दे रही थी। माँ ही विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए शिक्षाएं दिया करती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि यह कर्तव्य स्वयं निभाते हैं। ऐसे में उन्हें पत्नी का स्मरण आना स्वाभाविक ही है। और अब प्रश्न तीसरा, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। उत्तर है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द का संकेत है आकाश स्वर्गीय पत्नी का और मही उनकी पुत्री का। उन्हें लगता है कि मानो पत्नी ही आज पुत्री के रूप में परिवर्तित होकर आसमान से जमीन पर आ गई है। जब कवि ने अपनी पुत्री को नववधु के रूप में देखा तो उन्हें लगा कि उनकी पुत्री के सौंदर्य में उनकी कविता की समस्त कल्पनाएं साकार हो गई है। और अब प्रश्न चौथा, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। तो उत्तर है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से इस प्रकार भिन्न था कि वह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे और
पारंपरिक स्वरूप से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से किया गया था। इस विवाह में रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों आदियों को नहीं बुलाया गया था। ब्राह्मण समाज निराला जी की प्रगतिशीलता से नाराज था। कोई पुरोहित भी विवाह करने नहीं आया था। कवि ने अपने ही एक शिष्य से पुत्री का विवाह कराया और खुद ही मंत्रोच्चार किए। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। विवाह के गीत नहीं गाए गए थे। प्रश्न पांचवा, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि यह संकेत करना चाहते हैं कि जिस तरह से मेनका शकुंतला को जन्म देकर उसी समय स्वर्ग चली गई, उसी तरह सरोज की मां और कवि की पत्नी भी संसार में अब नहीं है, यहां से जा चुकी है। जिस प्रकार ऋषि कर्ण ने शकुंतला का लालन पालन किया था और माता और पिता दोनों की भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह पुत्री के विवाह के लिए, लालन पालन के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कवि ने भी वही भूमिका निभाई है। प्रश्न छठवा, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? उत्तर है कि इस पंक्ति के द्वारा उस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है, कवि निराला की पुत्री का जन्म अपने ननिहाल में हुआ था। पत्नी के निधन के बाद पुत्री का लालन पालन भी नाना नानी के द्वारा ही किया गया था। इसलिए कवि कहते हैं कि पहले तो उनकी पत्नी का लता रूप में वहीं पर विकास हुआ, बाद में पुत्री सरोज उसी लता की एक कली बनकर उत्पन्न हुई। नाना नानी के पास ही उसका बाल्यकाल तथा बाल्यकाल बीता और वहीं उसने अपना युवा काल भी प्राप्त किया। और अब प्रश्न सातवां, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है? उत्तर है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण इस प्रकार किया कि उन्होंने उसकी सदगति के लिए अपने जीवन में कमाए गए संपूर्ण सदकर्मों को पुत्री का तर्पण करते समय अर्पित कर दिया। और अब प्रश्न आठवां, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, नत नयनों से आलोक उतर। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि नववधू बनी कवि की पुत्री की आंखें लज्जा, संकोच तथा प्रसन्नता के मिले जुले भावों के कारण चमक रही हैं। फिर आंखों की यही चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों तक आ जाती है, अर्थात अब तक जो निराकार आनंद था वह मुस्कान के रूप में साकार हो जाता है। ख, श्रृंगार रहा जो निराकार। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि ने अब तक अपनी रचनाओं में श्रृंगार के निराकार रूप का ही चित्रण किया था, परंतु अब वही नववधु बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ग, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि को अपनी वधु रूपी पुत्री को देखकर शकुंतला का स्मरण होता है। उनकी पुत्री सरोज का माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला के जीवन से मेल खाता है, परंतु वास्तविक रूप में सरोज शकुंतला से भिन्न है। घ, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि धर्म अपना माथा हमेशा झुकाए रखेगा तो वह अन्याय के विरुद्ध नहीं बोल पाएगा, तो इससे श्रेष्ठ लोगों पर वज्रपात ही होता रहेगा, यानी कि श्रेष्ठ कर्म को
और कर्मवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।